पंजाब पुलिस ने एक बार फिर बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया है। एक बार फिर पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य का हवाला देकर उसे रोपड़ जेल में ही बंद रखने का फैसला लिया है। पिछले कई बार से ऐसा ही हो रहा है, चाहे यूपी एसटीएफ गई हो या यूपी पुलिस, उसको खाली हाथ ही पंजाब पुलिस ने लौटाया है। गौरतलब है कि शनिवार को गाजीपुर पुलिस की दो टीमें क्रमशः रोपड़ व चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी। दोनों ही टीमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही मुख्तार को लेने के लिए गई थी, जिससे मुख्तार की आपराधिक मामलों में पेशी कराई जा सके, मगर इस बार भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इससे पहले मुख्तार के परिवार वालों ने यह आशंका जताई है कि वो यूपी की जेलों में सुरक्षित नहीं है, यूपी की जेलों में उन्हें जान का खतरा है। और मुझे तो फुटबॉल की तरह हर जेलों में फेंका गया है। मैं झांसी रहा, कानपुर रहा, अलग अलग जेलों में बांदा भेज दिया है, आगरा भेज दिया है, अब भेज दिया सीतापुर। वो जहां चाहते हैं भेजते हैं, हम किसी न किसी चार दीवारी के अंदर ही हैं। इसलिए मुख्तार के पारिवारिक जन उन्हें यूपी की जेलों में बंद करने को लेकर राजी नहीं है। तो दूसरी तरफ यूपी सरकार मुख्तार को प्रदेश में लाने के लिए सिर से लेकर पैर तक जोर लगा रही है। पंजाब पुलिस ने मुख्तार को यूपी न भेजने के पीछे मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया है। पंजाब पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं भेज सकते हैं। आखिर पंजाब पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे की मंशा क्या है? एक बाहुबली के प्रति ऐसा प्रेम क्यों? ये कोई मजबूरी सी मजबूरी या लाचारी सी लाचारी तो है नहीं? कहीं सत्ता के दबाव में तो ऐसे फैसले नहीं लिए जा रहे हैं? बात चाहे जो भी हो, इससे दो बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली बात, मुख्तार अंसारी को इस बात की शंका है कि कहीं उसका भी हश्र विकास दुबे जैसा ना हो जाए। दूसरी बात जो अब जग जाहिर है कि पंजाब पुलिस मेहरबान तो मुख्तार अंसारी पहलवान। रिपोर्ट, वीडियो डेस्क, newsrec.com।